तीन साल ये बच्चा का बर्बाद कर रहा है उत्पल शर्मा, क्योंकि ये जो उत्पल शर्मा है वो एक ऐसा इंसान है जो कि सच को झूठ बना देता है, झूठ को सच दिखाता है सबके सामने। तो बच्चे इससे भी आगे बढ़कर कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी जगह का गिराव करने के लिए बच्चे तैयार हैं। नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर हम आए हैं डी ब्रेड के दूसरी गेट पर। आज ये देखा गया है कि दोनों गेट पर बच्चों ने धरना दिया है, दोनों गेट में आवाजाही एकदम बंद कर रखा है, ना किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है, ना अंदर से किसी को बाहर आने दिया जा रहा है। चलिए आज क्या हुआ इस बारे में हम स्टूडेंट से ही जानते हैं। चलिए ABVP की जो कार्यकर्ता है मिस सीमा जी, उनसे जानना चाहते हैं कि आज जो जो हुआ वो हमें बताएं। नमस्कार। नमस्कार। आज कंटिन्यू, कल भी था आज भी है, चल रहा है। ये बच्चे आए हैं, बच्चों को पता है क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन बार बार ये लोग यही आ रहे हैं, बोल रहे ऑर्डर आ गया हमारे फेवर में आए हैं। हमने बोला ठीक है ऑर्डर आ गया है, और आप बोलते हैं कि एग्ज़ाम होगा, तो ये तो बच्चे के लिए अच्छा ही है कि चलो एग्ज़ाम होगा, लेकिन जब तक ऑर्डर हम देखेंगे नहीं कोर्ट की सील के साथ, हम यहाँ से नहीं हटने वाले। क्योंकि सर, इससे पहले भी जब पिछले ACA सर का विदाई समारोह था, उस टाइम मैं जब सेक्रेटरीट गई थी, तो जो मल्होत्रा सर था उन्होंने बोला था कि ऑर्डर आ गया एग्जाम होने का, तभी भी ऑर्डर आ गया था, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। इनका यही है, ये बोलते हैं ऑर्डर आ गया है, ऑर्डर दिखता नहीं कहाँ ऑर्डर आया है, जिसमें मेंशन है कि कॉलेज को एडमिशन मतलब एग्जाम्स लेना ही है, बट ये लोग बोलने के लिए बोल देते हैं ऑर्डर आ गया है। और अभी ये घुमा फिरा के वही बातों को बोल रहे थे कि हम बच्चों के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। आप ही सिंपली बताओ कि बच्चों के इंटरेस्ट के लिए अगर आप काम कर रहे होते तो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को कॉलेज ये सलाह नहीं देता कि हमें कोर्ट जाना चाहिए, हमें पिटीशन डालना चाहिए, क्योंकि सभी को पता है पिटीशन की प्रोसीजर कितनी लंबी होती है। और बच्चे जो है 4 साल में यहाँ कॉलेज ख़त्म होता है, 2 साल से एफिलिएशन नहीं, 2 साल से एग्ज़ाम्स नहीं हुए, फर्स्ट ईयर के सारे बच्चे ऐसे बैठे हुए, वो लोग कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन खाली बच्चों को घुमा रहा है बात को। हम बहुत खुश हैं अगर आज ऑर्डर आया है और ऑर्डर बच्चों के फेवर में आया है कि एग्ज़ाम होगा, बस हम ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। और मल्होत्रा से ये भी पूछा कि आप नए बच्चों का एडमिशन लेंगे, तो बोले हैं कि नहीं लेंगे। आपको याद होगा पिछला स्ट्राइक में हमने क्लियरली बोला था कि नए बैच का एडमिशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये कॉलेज में तब तक नहीं होने देगा जब तक कॉलेज का एफिलिएशन नहीं मिलेगा। ऑर्डर अभी तक कोर्ट से तो आया है नहीं, उन्होंने बोला कोर्ट ने ओरली दे दिया है ऑर्डर। अभी मैंने अंडरटेकिंग का लेटर भी रिसीविंग पर पूछा, तो बोले कि नहीं वो तो ईमेल के थ्रू भेजा है। यार अभी पेंडेमिक नहीं चल रही है, जाके एक यहाँ से कॉलेज से अनुमान एडमिनिस्ट्रेशन से कोई जाके वो सबमिट करके नहीं आ सकता, एक बात भी हो जाती। ये आप लोग ऑनलाइन फॉर्मेलिटी कर रहे, फिर बाद में बोलेंगे फॉर्मेलिटी तो कंप्लीट किया, अंडरटेकिंग दे दिया। सीमा जी एक बात बताइए कि बच्चे भी तो यहाँ डिब्रेट के ही है ना, तो आखिर एग्ज़ाम नहीं कराने का कारण क्या हो सकता है, एफिलिएशन नहीं लेने का कारण क्या हो सकता है, इस पर कॉलेज मैनेजमेंट क्यों नहीं जोर लगा रहा है? क्योंकि बच्चे तो कॉलेज के ही हैं, तो अगर बच्चों को नुकसान है मतलब कॉलेज को भी नुकसान है, तो ये आखिर हो क्यों रहा है? डिब्रेट प्रशासन बोल तो रही है कि हम बच्चों के हित के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब एफिलिएशन ही नहीं है, एग्ज़ाम्स ही नहीं है, बच्चों का क्या हित है उसमें? और पिछले स्ट्राइक में एक जन ने तो खुलेआम बोला था कि पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा चल रहा है। हमारा सिंपल है, जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से हैं वो पर्सनल, वो एक जन अगर उत्पल शर्मा है तो उसको हटाओ वहाँ से। क्या आपको लगता है इन्हीं वजह से ये रुका हुआ है? ये वजह है, दूसरा ये दोनों कॉलेज का जो प्रिंसिपल बन के बैठे हैं वो एक वजह है, जो कि गाइडलाइंस के ICT गाइडलाइंस हो गया, या पांडिचेरी भी बोलती है कि ये दो कॉलेज का एक मर्ज करके ऐसा कैसे प्रिंसिपल बन सकते हैं, उनके 17 कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहे हैं। और अभी ये तो बोल रहे हैं कि हमको प्रिविलेज उसमें लिस्ट में रखा है गाइडलाइंस फॉलो करने की वजह से, तो ये या तो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों को मूर्ख बना रहा है, अगर प्रिविलेज कम्युनिटी में रखा है अंडमान डिब्रेट कॉलेज को, तो फिर वो अफिलिएशन कैंसिल क्यों करेगा? Exactly. ये बच्चों को मूर्ख बना रहे हैं बातें, अपनी बातें बता बता के। फीस तो बराबर ले रहे हैं? बराबर फीस ले रहे हैं, 75% अटेंडेंस चाहिए उनको, बट एग्ज़ाम नहीं ले रहे। एग्ज़ाम लेंगे कैसे? अफिलिएशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। तो आपने जिस तरीके से सीमा जी को सुना, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक एक बात को बताया कि आखिर क्यों ये सब हो रहा है, और आज भी हम देखेंगे दिन भर आखिर ये जो स्ट्राइक है ये क्या मोड़ लेती है। चलिए एक बार फिर हम सागर जी से बात करते हैं और जानते हैं कि आज क्या हुआ आज और आगे उनका क्या प्लान है। हेलो सागर। हेलो। चलिए आज हम लोग क्या थे कि
कोई इंटीमेशन नहीं दिया आज हम लोग स्ट्राइक और इंटीमेशन नहीं देके कल हम लोग स्ट्राइक कर रहे थे और हम लोग कल बोल दिए थे कि आज भी कंटिन्यू करेंगे और इसलिए कंटिन्यू करेंगे क्योंकि सोल्यूशन नहीं है और जब तक सोल्यूशन नहीं है स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगा और इन लोग बोल रहे हैं कि इंटरिम ऑर्डर आ चुका है। इंटरिम ऑर्डर आया है तो ऑर्डर दिखाइए ना कि ऑर्डर में क्या लिखा है और ऑर्डर आया है आपको उम्मीद है तो आप कॉलेज से एक सर्कुलर निकाल दीजिए, सर्कुलर निकाल के दे दीजिए कि बच्चे आप लोग घर जाके आराम से पढ़िए, आप लोग एग्जाम कभी भी हो सकता है। और हम पढ़े भी तो क्या पढ़े, 25 पेपर है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े। और ठीक है इंटरिम ऑर्डर आया, रिवाइज टाइम टेबल निकालने का ऑर्डर आया, तो अगर रिवाइज टाइम टेबल आएगा भी तो रजिस्ट्रेशन जिसका नहीं हुआ उसका क्या होगा। रजिस्ट्रेशन तो 150 बच्चे तक का है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो उनका क्या होगा। और आज इतना प्रेशर इन लोग इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि अंदर एक मीटिंग था आज, कुछ गवर्नमेंट मीटिंग था, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का मीटिंग था जो अंदर होने वाला था। ये सब टैक्टिक्स है, जब उनको पता है कि डिबेट में स्ट्राइक चल रहा है कंटिन्यू, कॉलेज बंद पड़ा है, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम चल रहे हैं, स्ट्राइक चल रहे हैं, तो ये वेन्यू क्यों लिए। और वेन्यू लिए भी तो अभी वेन्यू चेंज हो गया, ये पहले कर सकते थे। और अभी तक का प्रिंसिपल कहाँ है, प्रिंसिपल कल भी नहीं आया आज भी नहीं आया, अभी तक का प्रिंसिपल है क्या। ठीक है सागर जी, हम भी यहीं पे हैं, आगे भी देखेंगे आप लोग का जो स्ट्राइक है ये कौन से मोड़ लेती है। थैंक यू। गली गली में शोर है, ऊपर शर्मा शोर है, गली गली में शोर है, ऊपर शर्मा शोर है, गली गली में शोर है, ऊपर शर्मा शोर है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ऊपर शर्मा मुर्दाबाद। तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से उत्पल शर्मा जी का पुतला लेकर आए थे बच्चे लोग जलाने के लिए और अपना आक्रोश दिखाने के लिए, अपनी नाराज़गी जताने के लिए और ये बताने के लिए कि वो उत्पल शर्मा से कितने नाराज़ हैं जिनको बच्चों के एजुकेशन, उनके भविष्य की तरफ कोई ध्यान नहीं है। मगर आपने हमारे जिस तरह वीडियो में भी देखा कि पुलिस ने उनसे छीन लिया और उसे दूर ले जाकर एक जगह पे तोड़फोड़ कर दिया। बच्चों ने इस बात की भी खुशी जताई कि चलो उनसे ना हुआ, कम से कम पुलिस वालों ने ही उसे तोड़ दिया। चलिए सागर से बात करते हैं और इस पूरी प्रतिक्रिया के बारे में जानते हैं। देखिए हम ये समर्थन करना चाहते हैं कि उत्पल शर्मा अब आपका नहीं चल सकता है यहाँ पे, आप पीछे हट जाइए, आप रिजाइन देना चाहते हैं तो दे दीजिए और आप नहीं कर सकते यहाँ जो भी कर रहे हैं, अपने मनमानी से आप नहीं चला सकते कॉलेज, आप बच्चे शांत नहीं रहेंगे इसको लेके। और भी बच्चों से जानते हैं उनका क्या कहना है, बर्बाद करने वाला। आप कुछ कहेंगे आज के अभी जो कुछ भी है इस घटना के बारे में। सर हम और क्या बताएं, हम यहाँ पे दो दिन से हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं, एक जन आके पूछते भी नहीं है कि स्टूडेंट्स को क्या हुआ है, कुछ नहीं। इसी कारण आज हमारा ये था कि हम लोग पुतला लाएंगे और हम लोग जो है मतलब हम लोग सर आते नहीं, कुछ बोलते नहीं, जो 16 वाले स्ट्राइक में आके हम लोग को डेट दिया तो वो डेट में कुछ हुआ नहीं, तो आज हम लोग पुतला लाए थे जो चीज़ पुलिस वाले ने ही डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, तो यही हम लोग और कुछ नहीं चाहिए था, जो चीज़ होना था वो खुद पुलिस वालों ने कर दिया। तो भाई अब अभी रैली निकालेंगे, हम लोग जाने वाले हैं।
ताकि सब जाने। सीमा जी आप बताएंगे कि क्या किसी भी तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट से या एडमिनिस्ट्रेशन से या आपके जो इंस्टीट्यूट है इनकी तरफ से कुछ भी आप लोगों का संज्ञान लेने के लिए कोई भी पहुंचा यहाँ पे? इससे पहले जब था एक कल परसों नहीं उससे पहले वाले तो उसमें एक बार आए थे, उसके बाद तो नहीं आए हैं। कुछ नहीं, खाली बोल रहे हैं नहीं एग्ज़ाम हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कोर्ट का ऑर्डर आ गया। अभी तक कोर्ट का ऑर्डर हमें तो मिला नहीं है और ये बात हम 2 साल से सुन रहे बोल के बच्चों को भरोसा नहीं है, क्योंकि ये जो उत्पाल शर्मा है वो एक ऐसा इंसान है जो कि सच को झूठ बना देता है, झूठ को सच दिखाता है सबके सामने। जब ऑडिट रिपोर्ट में सारी उनकी कारस्तानी मेंशन है, जब पौंडीचेरी बोलती है कि ये इलीगली बन के बैठे इनको हटाओ, फिर भी क्यों ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं पता नहीं। और ये जो पुतला जलाने की जो प्रतिक्रिया यहाँ पे चल रही थी उसको लेकर क्या कहेंगे? वो बच्चों का आक्रोश था कि ये एक व्यक्ति के वजह से ऐसा हुआ है तो इस व्यक्ति का पुतला जलाया जाना चाहिए, जो कि पुतला तो जला नहीं लेकिन मंदिर जाके पुतले को तोड़ा गया है। सभी के बच्चों के अंदर प्रिंसिपल को लेकर यही आक्रोश है कि प्रिंसिपल को कॉलेज से हटाओ अगर प्रिंसिपल के वजह से प्रॉब्लम है तो, क्योंकि इससे पहले में उन्होंने क्लियरली बोला था कि पर्सनल प्रॉब्लम्स के वजह से है। तो मैं अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से यही निवेदन करती हूँ कि अगर इनके वजह से ये प्रॉब्लम है तो इनको हटाओ, वैसे भी इलीगली बन के बैठे हैं प्रिंसिपल दोनों इंस्टीट्यूट। धन्यवाद। न जाने कितने किस्म के इल्ज़ाम आप सुन रहे हो कि ये इलीगली प्रिंसिपल के पोस्ट पर बैठे हुए हैं और बच्चे इनसे नाराज़ हैं, इनका हाल चाल पूछने भी यहाँ पे पिछले 2 दिनों से कोई नहीं आया। बच्चे सुबह से शाम तक यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे बच्चे और नाराज़ हैं और उन्होंने आज उत्पल शर्मा जी जो प्रिंसिपल हैं डीब्रेड के उनका पुतला जलाने की भी कोशिश की, मगर पुलिस वालों ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया और पुलिस वालों ने पुतला ले जाकर दूसरी जगह पे उसे डिसेम्बल कर दिया। 2 दिन से ना सर आए, 2 दिन से हम लोग लगातार यहाँ बैठ रहे हैं, मंडे भी बैठे आज भी बैठ रहे, ठीक है। तो अभी उसी फ्रस्ट्रेशन में हम लोग आके वो पुतला बना के जलाने का हम लोग सोचे ताकि सर का ध्यान जाए, हमारे तरफ ध्यान जाए, लेकिन वो पूरा फेलियर हो गया। पुलिस वाले ने उसे छीन के अंदर पे लेके जाके वहाँ पे गैरेज का वहाँ पे तोड़ दिया। हाँ, तो अभी बस हमारा ये मांग है कि कैसा भी करके हम लोग कुछ भी, या तो उत्पल शर्मा जी रिज़ाइन करे और हमें जो एफिलिएशन है वो बाय पौंडीचेरी हमें दे, या फिर कुछ भी करके हम लोग को बस एग्ज़ाम करवा दे। उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं अब बात सिर्फ कॉलेज के कैंपस तक नहीं रह गई है, अब आप बच्चे सड़क पर भी उतर आए हैं और फिलहाल इस वक्त डॉलीगंज जंक्शन जो है यहां तक आए हैं और अब ये बात जग जाहिर हो चुकी है कि डीप रेड कॉलेज में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। बच्चों ने अपनी इच्छा जताई है कि जो प्रिंसिपल है उत्पल शर्मा उनके रेसिग्नेशन की मांग रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि
पर की डीब्रेड कॉलेज में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चलिए इसी से जुड़ी हम एबीवीपी के एक और कार्यकर्ता से बात करते हैं और जानते हैं पूरी हालात को। जी, मैं एबीपी का स्टेट मीडिया कन्वेनर हूँ। जो अभी आप देख रहे हैं, ये बच्चों के अंदर जो 3 साल से जो गुस्सा भरा है, जो 3 साल ये बच्चा का बर्बाद कर रहा है उत्पल शर्मा, उसका ये आउटरेज है बच्चों का। इन लोगों ने पुतला बनाया, इस लेवल तक उतर गए कि ये सब इंजीनियर्स बनने वाले हैं, लेकिन बस नाम के इंजीनियर्स, क्योंकि एफिलिएशन ही नहीं है। उत्पल शर्मा 2 दिन से वो कॉलेज नहीं आ रहा है और बच्चों से मिल नहीं रहा है। जिस दिन फर्स्ट डे यहाँ स्ट्राइक होता उस दिन ही आया था, बच्चों ने जितना कुछ उनको सुनाना था सुनाया। वो कॉलेज, वो इधर उधर वो भटक रहा है, हाईकोर्ट में भटक रहा है, मतलब सेक्रेटेरिएट के ऑफिस के चक्कर मार रहा है, लेकिन बच्चों को जवाब कौन देगा? वो बोल रहे हैं कि एक हियरिंग के बाद और एक हियरिंग देते हैं। हमेशा बच्चों को वो सरकाते, जब उनको पता था कि अगर ये बात अगर लेके जाएंगे ना कोर्ट में तो उनको और टाइम मिल जाएगा बच्चों का ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, जो कि वो कर रहे हैं। और बच्चे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये सॉल्व नहीं होता, जब तक एफिलिएशन नहीं मिलता और उत्पल शर्मा जो रिज़ाइन नहीं करता, तब तक हम तो नहीं रुकेंगे, ना एबीपी भी रुकेगा ना बच्चे रुकेंगे। आज सुबह सुबह जो उनके जो स्टाफ थे उन्होंने कुछ कहा था कि कुछ कोर्ट का ऑर्डर आया बच्चों के पक्ष में है, उस बारे में क्या हुआ? वो सही है कि झूठ है हमें नहीं पता, अगर वो हमें जब तक पेपर वर्क नहीं दिखाएंगे हम नहीं मानेंगे। हम वो अफवाह फैलाने में नंबर वन है, अंडमान में अगर कुछ भी हो नहीं गलत को भी सही दिखा देते हैं, ऐसे हैं वो। इससे पहले भी उन्होंने बोला था ऑर्डर आया है एग्ज़ाम्स लेने का, जबकि लास्ट सीएस सर क्या विदाई समारोह था तब जो है मल्होत्रा सर, उन्होंने बोला था ऑर्डर आया है, ऑर्डर ना ही दिखा ना ही एग्ज़ाम हुआ, कुछ नहीं पता चला। इसीलिए जब तक कोर्ट अथोराइज वो ऑर्डर हम नहीं देखेंगे तब तक हम आप पे भरोसा कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि आप भरोसा करने लायक उत्पल शर्मा ने इन बच्चों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो अब ये जो आप लोग का जो आंदोलन है, एक तरह का छोटा मोटा आंदोलन ही है जो कॉलेज कैंपस के अंदर तक था, अब जहाँ तक हम देख रहे हैं आज आप लोग सड़क पर निकल आए हो, तो इस बारे में कुछ बताएंगे? आगे आप लोग क्या क्या प्लान कर रहे हो, इस बारे में कुछ बताएंगे? इस बार का आंदोलन है जो ये नहीं रुकेगा जब तक सॉल्व नहीं होता, यह हर रोज़ होता रहेगा, बच्चे आते रहेंगे। जब नहीं रुकेगा तो हम हायर एडमिनिस्ट्रेशन के उधर भी हम स्ट्राइक करेंगे जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होता। डिप्रेशन, आपको पता है इंडिया में अभी डिप्रेशन का क्या रेट है? एक भी बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट करेगा, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? इस उत्पल शर्मा एट ऑल रिस्पॉन्सिबल? बस वो खेल रहा है स्कैम के ऊपर स्कैम। एडमिनिस्ट्रेशन के पास उत्पल शर्मा का ऑडिट रिपोर्ट है, वो क्या कर रही है? उत्पल शर्मा के विद्यार्थी परिषद ने भी उस ऑडिट रिपोर्ट के साथ उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी की जांच की, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन वही कर रही है, उनको उत्पल शर्मा को हमेशा बचाने के लिए अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है। लेकिन अभी और हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं सहेंगे, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, उत्पल शर्मा हो या अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन हो। पाता जी, आप कुछ कहेंगे? जी, जैसे कि आप सबको पता है इतने दिनों से जो स्ट्राइक हो रहा था एक कॉलेज कैंपस में हो रहा था, क्योंकि बच्चों को आक्रोश बहुत था, वो पिछले लगातार 4 दिन से स्ट्राइक कर रहे थे। पर आज बात हद से आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से या कोई भी एंगल से इनको ऐसा नहीं लग रहा है कि इनका एग्ज़ाम होने वाला है। तो बच्चों ने जब उनके गुस्साओं को के कारण आज उन्होंने सड़क पर आने का निर्णय लिया है। अगर आने वाले समय में अगर कुछ निर्णय नहीं लिया जाता है बच्चों के फेवर में, अगर डिब्रेड को एफिलिएशन नहीं मिलता है, अगर बच्चों का एग्जामिनेशन नहीं करवाया जाता है, तो बच्चे इससे भी आगे बढ़कर कहीं भी जा सकते हैं। किसी भी जगह का घेराव करने के लिए बच्चे तैयार हैं। तो जैसे आपने सुना, अब ये हद पार हो गई है। बच्चों का कहना है कि अब वो कॉलेज कैंपस से निकल के अब वे बाहर सड़क तक आ गए हैं, और इस पर भी अगर प्रशासन की आंख ना खुली, इन लोगों के एग्जामिनेशंस नहीं हुए, इनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, इनको एफिलिएशन नहीं मिला, और साथ ही साथ अब एक मांग बहुत ज़ोर पकड़ चुकी है, वो है जो प्रिंसिपल हैं उत्पल शर्मा जी, उनका रेसिग्नेशन। अगर ये नहीं होता है, बच्चों के ये मांगे पूरी नहीं होती है, तो बच्चों ने कह दिया है कि अब वे किसी भी हद तक जाएंगे, ऊँचे से ऊँचे स्तर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, अपनी आवाज़ पहुँचाएँगे, और आगे क्या होगा ये इसके लिए ज़िम्मेदार बच्चे नहीं हैं। बच्चे कहने के लिए इसके ज़िम्मेदार सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलेज के जो प्रिंसिपल वो उत्पल शर्मा वो हैं। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामी, न्यूज़ अंडमान 24/7, नमस्कार।